चलिए आज हमारा फोकस होगा आपको एंटरप्रेन्योर बनाने का और इसके जो कदम है हम सीखेंगे या उन कदमों पर चलेंगे वो है एमएस धोनी, जिन्होंने अपना एक फिटनेस स्टार्टअप में पैसे लगाए हैं और तगड़ा रहो इस स्टार्टअप का नाम है। धोनी की क्या विशेषताएं हैं स्टार्टअप को लेकर, इस निवेश को लेकर, और किस तरह से आप भी इनसे प्रेरणा लेकर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, इस सब पर बात करते हैं। ऋषभ मल्होत्रा, फाउंडर तगड़ा रहो, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, और न सिर्फ दर्शकों को आप बताएंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बल्कि आपकी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उस पर भी हम बात करेंगे। तगड़ा रहो एमएस धोनी का वो स्टार्टअप जिसमें उन्होंने फिटनेस के स्पेस में कदम रखा है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आइडिया आया, कैसे उनसे संपर्क हुआ, कुछ बताएं। फंडिंग की अमाउंट यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं है, हम तो चाहेंगे कि आप वो भी हमें बता दें, लेकिन कुछ बताइए ये किस तरह की पार्टनरशिप है एमएस धोनी के साथ। थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तगड़ा रहो का एक्चुअली स्टार्ट 2020 में हुआ था, बट ये उस टाइम पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट था क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, एंड एट दैट टाइम हमको सिर्फ ये देखना था कि क्या इतनी पुरानी एक इक्विपमेंट को कंट्री मार्केट एक्सेप्ट करेगा वापस, और अगर हम इसको वापस लाते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में वापस ला सकते हैं। तो हमने इसको एक एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पहले, और हम सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और अपनी इक्विपमेंट को सेल कर रहे थे। हमने इक्विपमेंट में थोड़े मॉड्यूलर चेंजेस किए थे जो ट्रेडिशनल फॉर्म में आते थे उसमें, और उस पर हमें डिजाइन पैटर्न भी मिला। 2021 में हमने हमारे ऑफलाइन सेंटर शुरू किए जहां हमने ट्रेनिंग शुरू करी, तो इसको ट्रेडिशनल फॉर्मेट से थोड़ा सा बाहर निकाल के हमने मॉडर्न डे लाइफ के लिए इसको रेलिवेंट बनाने के लिए मॉडर्न डे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के साथ हमारी पुरानी जो इंडिया में प्रैक्टिसेस चल रही थी ट्रेनिंग की उसके साथ इसको मिक्स किया, और बेंगलुरु में हमने हमारा पहला सेंटर खोला। एमएस सर के साथ हमारी पहली मुलाकात लास्ट ईयर हुई थी थ्रू अ कॉमन कनेक्ट, एंड वहां से बात शुरू हुई, और तो कुछ टाइम बाद हमने उनको अपने हमारे आइडिया के बारे में बताया, और 6-8 महीने बात चली, एंड आई थिंक समवेयर ही फेल्ट दैट ही कनेक्टेड विद द आइडिया एंड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट, और वहां जाके फिर वो हमारे साथ जुड़े। ऋषभ, जो मुझे विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप जो मॉडर्न डंबल्स हैं और जो मॉडर्न जिम के इक्विपमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और आपने कहा कि ये ट्रेडिशनल मोड ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग भी है, तो पारंपरिक तौर पर तो हम अखाड़े में जाया करते थे और मेरे ख्याल से गदा का इस्तेमाल किया करता था वेट लिफ्टिंग के लिए, तो किस किस तरह से आपने पारंपरिक व्यायाम को एक नया टच देकर तगड़ा रहो में अपनाया है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपने इक्विपमेंट का नाम लिया जैसे गदा हो गया, मुद्दर हो गया, और इन्हीं चीजों को हम वापस लाए हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमने थोड़ी मॉड्यूलर चीजें, आप जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वहां आपको सैंड पिट दिखेगी, अखाड़ों में जनरली आपको मड पिट मिलती है, तो हमें ये देखना था कि शहरों में अगर अब हम मड के अंदर रेसलिंग कराते हैं तो लोगों को उसके बाद हम पे जाना है, हाउ डू वी मेक इट मोर रेलेवेंट, इसको हम आज के दिन के लिए कैसे रेलेवेंट कर सकते हैं। तो हमने थोड़े थोड़े चेंजेस किए, हमने सैंड का यूज किया इंस्टेड ऑफ मड, जो सैंड एक आपके ट्रेनिंग में भी आपको हेल्प करता है, रेजिस्टेंस ऐड करता है और रिहेबिलिटेशन के काम भी आता है। और जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं उस सब में थोड़ा मॉड्यूलर एलिमेंट है, आप उसमें वेट चेंज कर सकते हैं, आप उसकी ग्रिप्स चेंज कर सकते हैं, जो पहले आते थे 100-200 साल पुराने या हमारे से पहले भी जो बन रहे थे वो एक ही शेप में और एक ही साइज में आते थे, वो एक ही पीस था, आप एक बार जो पीस ले आए आप उसको बदल नहीं सकते वेट को। तो इसी रीजन से ये एक चीज जो थी ये आगे बढ़ना बंद हो गई थी, बिकॉज ये इवॉल्व होनी बंद हो गई थी। तो एज तगड़ा रहो एज अ टीम हमने ये कोशिश करी कि हम इसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करें। हमने योगा से काफी इंस्पिरेशन ली, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 20 साल पहले योगा जो था वो पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन 20 साल में बहुत प्रोग्रेस हुआ और दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है। वो इसलिए हुआ क्योंकि योगा को थोड़ा ओपन अप किया गया, उसके अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट आ गए, आज कहीं पावर योगा है, कहीं अष्टांगा योगा है, कहीं हॉट योगा है, तो एज ए इंडिविजुअल आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या सूट करता है और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो हमने भी इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, जो एक्चुअली में इंडिया की हिस्ट्री का बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत पार्ट है, उसको वापस लाने की कोशिश करिए एक मॉडर्न डे के लिए। ऋषभ, ये बताएं कि अभी जिस तरह से आप जिम में जाते हैं और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जो आपके ट्रेनिंग के फॉर्मेट होते हैं उससे क्लियरली आप बहुत अलग
अलग हैं, योगा से मैं आपने कहा कि आप इंस्पायर्ड हैं, तो आपका जो नॉर्मल वर्कआउट सेशन है उसमें किस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ उसके बारे में हमें जानकारी दें, क्योंकि अधिकतर लोग तो जिम ही जा पाते हैं और वहाँ पर जो नॉर्मल डेज होते हैं, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आप बात करें तो एक दिन आप लेग्स पर वर्कआउट करते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी जैसा वर्कआउट करते हैं, आप इस पूरे पारंपरिक व्यायाम में, इस पूरे ट्रेडिशनल वर्कआउट में योगा को जो सम्मिलित कर रहे हैं, तो किस तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और केवल क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, क्योंकि ओवरऑल फिटनेस को अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ के अलावा आपको एंड्योरेंस भी करना होता है, तो कैसे एक होलसम फिटनेस पैकेज आप तगड़ाराहू में मिलेगा? सबसे पहली चीज, आप अगर ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस देखेंगे, जो पारंपरिक व्यायाम की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक सिंपल फंडामेंटल हमेशा से ये रहा है कि आप अपनी बॉडी को एक यूनिट की तरह ट्रीट कीजिए। आप मसल्स को आइसोलेट करके मत ट्रेन करिए कि आज मैं सिर्फ आर्म्स करेंगे या आज लेग्स का डे है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी वही चीज को हम आगे ला रहे हैं जो सदियों से यहाँ चलती आ रही है कि आप फुल बॉडी वर्कआउट्स करो, ताकि आपकी बॉडी हमेशा एक यूनिट की तरह फायर होने के लिए बनी। तो हम उसी चीज को उठा के सामने ला रहे हैं। योगा से हमने कल्चरल इंस्पिरेशन लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया से जो फिटनेस मूवमेंट्स बाहर गई हैं उसमें योगा का ही नाम आता है, पर अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो तो हम दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ देखते हैं। हम ग्रीक्स को देखते हैं, हम यूएस बेस्ड वर्कआउट्स को देखते हैं, हम खुद भी इंडिया की तरफ कम ही देखते थे, क्योंकि अखाड़े जो थे वो रेसलिंग ओरिएंटेड थे सिर्फ, ठीक है, वहां पे कुश्ती का आपको सिखलाई मिलती थी और बहुत अच्छी सिखलाई मिलती थी, लेकिन वो उस फॉर्म में एक रिस्ट्रिक्शन था। हम उसको बाहर लेके आए और उसको हमने अपनी मूवमेंट्स हमने इसमें ऐड करी हैं। 2023 में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमारे सेंटर में 10 लोग आते हैं, उसमें से 8 लोग एक सिमिलर प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो है मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। हम आज 8 से 10 घंटा, कहीं जगह 12 घंटा हम सिर्फ बैठे हुए हैं, तो उसके साथ आपके शरीर में रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपका शरीर आपकी मोबिलिटी साथ नहीं दे रही तो आप वो भी ठीक से नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, जो वर्कआउट्स होते हैं, वो फुल बॉडी है, जिसमें स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, कंडीशनिंग, ये सारी चीजें साथ में कवर होती है। एंड हमारे लिए एक्चुअली बहुत गर्व की बात है कि इस फॉर्म ऑफ वर्कआउट में हमारे सेंटर्स में 70% से ज्यादा हमारे जो मेंबर्स हैं वो औरतें हैं, और हम यही चाहते थे कि ये फॉर्म ऑफ वर्कआउट अगर हम वापस ला रहे हैं तो इसको लेडीज लीड करें, क्योंकि ये जब अपने ट्रेडिशनल फॉर्मेट में अवेलेबल था तब वहां पे अखाड़ों में आप अमूमन देखेंगे तो लेडीज नहीं होती थी, तो उनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं मिला कि ये वर्कआउट से एक्चुअली में फायदे कितने हो सकते हैं। तो हमने इसको ओपन अप किया है, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स निकाले हैं, हमारे यंगेस्ट मेंबर 15 साल के होंगे और ओल्डेस्ट मेंबर 65 प्लस हैं, तो हमने हर एज कैटेगरी के हिसाब से भी मॉड्यूल्स बनाए हैं ताकि ये सबके लिए इंक्लूसिव रहे। यहाँ पर जो फीस होती है, क्या वो मॉडर्न जिम के एट पार ही रखी गई है? हमारे फीस स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे बैंगलोर में, जैसे फुल मंथ की अगर मैं आपको फीस की बात करूं, वो 3999 रहती है, पर हमारे यहाँ पे एक सबसे अलग चीज आपको ये मिलेगी कि आपको यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर 3 से 4 मेंबर के लिए हम एक ट्रेनर रखते हैं, तो आपको एक तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग की भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है और साथ ही साथ आप एक कम्युनिटी के साथ भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो ना आपको एज ए जिम में जाके अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग में 15,000 रुपए खर्चने महीने में, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। हम एक कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट है और एक कम्युनिटी बेस्ड वर्कआउट की तरह इसको यूज करना चाहते हैं। हमारे सबसे बड़े सपोर्टर्स हमारी खुद की टीम के अलावा हमारे खुद के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1.5 साल से हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। ऋषभ कहाँ कहाँ पर है? बैंगलोर में ही आपकी मौजूदगी है? आप अभी यस, हमारा पुणे का सेंटर अगले 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, एंड हमने हमारा फ्रेंचाइज प्रोसेस भी अब स्टार्ट कर दिया है, तो वी आर लुकिंग एट नाउ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के हर मेजर सिटी और स्टेट में भी अगले 1 साल में अपना प्रेजेंस बढ़ा लें। और फंडिंग को लेकर क्या डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? सॉरी आपकी आवाज कट रही थी। फंडिंग को लेकर क्या डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? फंडिंग को लेके हम अभी नंबर्स तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एमएस सर जैसी हस्ती हमारे साथ जुड़े। ये मेरा हमेशा से कहना है, मेरी टीम का भी, कि वो एक रोल मॉडल है पूरी कंट्री के लिए, एंड नॉट जस्ट एज एन एथलीट बट ऑल्सो एज समबडी जो जिस तरह वो अपने आप को कैरी करते हैं फील्ड पे, चाहे वो कैप्टन के तौर पर हो या वो एज अ ह्यूमन बींग हो, तो वो एक रोल मॉडल बहुत अलग अलग तरीकों से इस पूरी कंट्री के लिए रहे हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता था कि हमारे वर्कआउट की वैलिडेशन कम्स थ्रू एमएस सर, जिन्होंने हमारे वर्कआउट को बैक किया और इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इस वर्कआउट के लिए, नॉट जस्ट हमारे लिए बट हमारे पारंपरिक व्यायाम एज अ कंट्री, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है।
ऋषभ, ये बताएं कि एज अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर कौन कौन सी कठिनाइयां आपके सफर में आपको आपने झेली और वो एक सीख के तौर पे आपने उसको समझा और आप आगे बढ़े। फिटनेस एंटरप्रेन्योर, मेरे ख्याल से ये टर्म थोड़ा सा वाइड है। मेरे केस में थोड़ी चीजें अलग थी। वो ये कि पहला था, मोर देन फिजिकल चीजें, आपको मेंटल माइंडसेट्स और मिथ्स स्टीरियोटाइप्स तोड़ने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी इसको देख के सबसे पहला सवाल हमको जनरली यही आता था कि क्या ये लेडीज भी कर सकती हैं, क्या ये उनके लिए ओपन है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि अखाड़ों में वो अलाउड नहीं होते थे। तो हमारे को पहले वो माइंडसेट्स ब्रेक करने पड़े। फिर दूसरा सवाल आ जाता था कि क्या ये सिर्फ कुश्ती के लिए है या खाली ये अपर बॉडी के लिए है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये खाली अपर बॉडी वर्कआउट नहीं है। हमने जिस तरह से इसको डिजाइन किया, हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम ने जिसको डिजाइन किया है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम सबके लिए इसको इंक्लूसिव बनाएं। तो वो सबसे मुश्किल जो चीजें थी वो मेंटल बैरियर्स थे जो लोगों के हमें तोड़ने थे। बट एज अ टीम, आई थिंक मेरा भी लक है इसमें कि मेरे साथ जो टीम जुड़ी रही और धीरे धीरे साथ में जुड़ती गई इस पूरे प्रोसेस में, उससे मेरे लिए चीजें आसान होती गई। मेरे जो को फाउंडर है विशाल भाई, वो मेरे साथ जुड़े लगभग साल भर बाद जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उनके आने से भी बहुत फर्क पड़ा मेरे को। मेरी ट्रेनिंग टीम जो है, वो जो हमारे हेड ट्रेनर हैं आकाश नायर, वो मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। तो हमने सारी चीजों को उठा के उनके जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारे पारंपरिक व्यायाम को मिक्स करके हमारा मॉड्यूल बनाया। ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से। तगड़ा रहो अपने स्टार्टअप जिसमें एमएस धोनी ने भी फंडिंग की है और दिलचस्पी दिखाई है। तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।